तो यहाँ पर क्रॉसबीट्स ब्रांड ने लॉन्च की है मिलिट्री बिल्ड स्टैंडर्ड स्मार्ट वॉच, जिसमें आपको पूरी यहाँ पे मेटालिक बॉडी मिलने वाली है, टफ, साथ ही में आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। तो भाई ड्रॉप टेस्ट के बिना तो बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है। फेंकते हैं स्मार्ट वॉच को, चेक करते हैं कितनी आपको टफनेस मिलने वाली है इसमें। और ये गई, आई आई आई। हाँ दीक्षा, क्या हो रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे क्रॉसबीट्स ब्रांड ने अपनी एक मिलिट्री स्टैंडर्ड वाली बिल्ड की स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है, दैट इज क्रॉसबीट्स आर्मर डाइव स्मार्ट वॉच। और इसका लॉन्च प्राइस है 3500 रुपीज के आसपास, प्राइसिंग इसके बढ़ भी सकते हैं। और वैसे भी अगर आप क्रॉसबीट्स की ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ भी परचेज करते हैं जो आपको पसंद आए, चेकआउट के टाइम पे हमारा कूपन कोड मिस्टर लेजीटेक अप्लाई करेंगे, आपको लगे आज इंस्टेंट डिस्काउंट में मिल जाएगा। सारे के सारे मैंने पॉसिबल लिंक्स दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक्जैक्टली आप देख लीजिए, यहां पर आपको ब्रांड बिल्कुल प्रोवाइड कर रहा है टफ लुक एंड फील की। आपको 1.43 इंचेस का इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, पूरी आपको मिलिट्री स्टैंडर्ड स्मार्ट वॉच मिलने वाली है। मैंने इसको कुछ हाइट से फेंका भी हुआ एक तरीके से, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई थी स्मार्ट वॉच को लेकर। पर्टिकुलरली मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जो इसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया हुआ है, पूरी जो मेटेलिक बिल्ड की आपको बॉडी मिलने वाली है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। बाकी इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिल जाएगा, फीचर्स आपको काफी भर भर के मिलने वाले हैं। सारे आपको टेस्टिंग दिखाऊंगा, एक एक टेस्टिंग दिखाऊंगा, ताकि अगर आपको एक बिल्कुल टफ लुक एंड फील की अगर आप ट्रैकिंग करते हैं, अगर आपको एक स्पोर्टी लुक एंड फील की स्मार्ट वॉच चाहिए, एंड तक पहुंचते पहुंचते कंप्लीट टेस्टिंग देखने के बाद डिसाइड कर ही लेंगे कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। So let's get started. तो करते हैं शुरुआत हम सबसे पहले अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको क्रॉसबीट्स आर्मर डाइव स्मार्ट वॉच का ऐसे बिल्कुल आपको प्रीमियम बॉक्स मिल जाएगा, पैकेजिंग से बिल्कुल यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और बैक साइड में काफी इसके फीचर्स मेंशन किए गए, हम एक एक डिटेलिंग चेक करेंगे इस वीडियो में आगे। इसको अनबॉक्स करने के लिए सिंपली आप ऐसे स्लाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रीमियम पैकेजिंग मिल जाएगी। प्रॉपर यहाँ पे आपको बुक शेप की आपको पैकेजिंग मिलने वाली है, एक एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पैक्ड है इस बॉक्स के अंदर। और सबसे पहले आपको मिलने वाला है यहाँ पे हेलो नमस्ते का ग्रीटिंग कार्ड, इसमें आपको एडिशनल 6 मंथ्स की वारंटी मिलने वाली, इस कार्ड के थ्रू वारंटी क्लेम कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको QR कोड दिया गया है, यूजर मैनुअल और क्विक स्टार्ट गाइड को यहाँ पे आप स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव है पेपर बुक बचाने का। और यहाँ पर अगर आपको ब्रांड की तरफ से फ्री एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी चाहिए स्मार्ट वॉच के लिए, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। और यहाँ पर आपको एक एडिकेट लेंथ की आपको चार्जिंग केबल मिल जाएगी टू चार्ज योर स्मार्ट वॉच। और साथ ही में आपको मिलने वाला है एक एक्स्ट्रा लेदर स्ट्रैप मिल जाएगा, बढ़िया क्वालिटी का 20mm का आपको यहाँ पे लेदर स्ट्रैप मिलने वाला है सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ, इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द स्मार्ट वॉच यू विल बी गेटिंग, फिजिकल ओवरव्यू चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 22mm के आपको सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिलने वाले हैं, साफ साफ जो स्पोर्टी लुक एंड फील है स्ट्रैप्स में आपको मिल जाएगा, फ्लेक्सिबल तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको आप डिटैच भी कर सकते हैं, प्रॉपर हिंजेस मिलने वाले हैं। स्मार्ट वॉच के बैक साइड में आपको मिल जाएगा चार्जिंग पॉइंट, सेंसर्स, बिल्ट इन आपको स्पीकर, माइक्रोफोन मिलने वाला है, हम आगे कॉलिंग टेस्ट करेंगे। दो साइड में आपको पूरे मेटालिक बटन मिलने वाले हैं मल्टी फंक्शन, और पूरी यहाँ पे आपको सॉलिड आप देख सकते हैं मेटल बिल्ड की आपको यहाँ पे स्मार्ट वॉच मिलने वाली है। टफनेस से इसके लुक एंड फील से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, मेनली अगर आपको एक मिलिट्री स्टैंडर्ड की स्मार्ट वॉच चाहिए डेफिनेटली इसको आप ग्रैब कर सकते हैं, लुक एंड फील काफी आपको प्रॉमिसिंग मिल जाएगा। और फ्रंट में आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1.43 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, इसमें आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिलने वाली है, व्यूइंग एंगल्स काफी आपको बढ़िया मिल जाएंगे, इंडोर कंडीशन की ब्राइटनेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी यहाँ पे। और साइड में जो बटन्स दिए गए हैं, जो नीचे वाला बटन है सिंपली इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो स्क्रीन को ऑन और ऑफ करता है, बैक साइड पे आपको लेके जाएगा। और जो ऊपर वाला बटन है इसको आप प्रेस करेंगे जितनी भी आपके एप्लीकेशन से स्मार्ट वॉच की यहाँ से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और UI की स्मूथनेस की बात करेंगे, यहाँ पे UI आपको अच्छा मिल जाएगा, बहुत ज्यादा परफेक्शन भी नहीं बोल पाएंगे, नहीं आप खराब बोल पाएंगे UI को, लेकिन आपको यहाँ पे अच्छा UI मिल जाएगा, वैसे इसको यूज करने में आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और यहाँ पर अगर हम ओवरऑल फीचर्स की बात करेंगे स्मार्ट वॉच की, यहाँ से अगर आप स्क्रीन से स्वाइप डाउन करेंगे तो सारे के सारे आपको शॉर्टकट्स मिलने वाले सेटिंग्स पार्ट को लेकर, आप टैप टैप करके जो ब्राइटनेस है उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आउटर कंडीशन की ब्राइटनेस की बात करेंगे, आप देख सकते हैं ब्राइटनेस फुल है, और जो 1000 निट्स की ब्राइटनेस है, एमोलेड डिस्प्ले है, परफेक्ट तरीके से वर्क करता है, कितनी भी हैवी सनलाइट में है आराम से बिना किसी दिक्कत के आउटर कंडीशन में स्मार्ट वॉच को यूज कर पाएंगे। साथ ही में आपको मिलने वाला है बैटरी सेविंग का ऑप्शन, डो नॉट डिस्टर्ब मोड को एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग के फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ्लैश लाइट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अबाउट स्मार्ट वॉच के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिलने वाला है, और सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मेन्यू स्टाइल, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, 3 आपको ऐसे ऐसे अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स मिल जाएंगे। स्टाइल 1 में आपको ऐसा लुक एंड फील मिल जाएगा मेन्यू का, स्टाइल 2 में आपको ऐसा लुक एंड फील मिलने वाला है, अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं, और स्टाइल 3 में आपको ऐसा आपको मेन्यू स्टाइल मिल जाएगा, आपको कौन सा पसंद आया आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और डिस्प्ले में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वॉच फेसेस, कुछ आपको बिल्ट इन बढ़िया बढ़िया क्वालिटी की वॉच फेसेस मिलने वाले हैं जो आपको पसंद आए अप्लाई कर सकते हैं, ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम में यहाँ पे आपको मिनिमम 5 सेकंड्स, मैक्सिमम 30 सेकंड्स का स्क्रीन टाइम दिया गया, सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर जो रेस टू वेक फीचर है उसको आप यहाँ पे कितनी देर तक आपको रेस टू वेक फीचर के बाद स्क्रीन को ऑन रखना है, 5 सेकंड्स, 6 सेकंड्स या 2 सेकंड्स अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं यहाँ से। और इसका जो रेस टू वेक फीचर है सही तरीके से वर्क करता है, जब भी आप स्मार्ट वॉच को ऊपर करेंगे प्रॉपर आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी। और एक और प्लस पॉइंट यह है, इसमें जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया गया है,
आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप ऑन करेंगे, यहाँ पे आपको डिजिटल क्लॉक और एनालॉग क्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। डिजिटल क्लॉक में आपको ऐसा लुक एंड फील का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा, एनालॉग क्लॉक का आपको ऐसा लुक एंड फील का आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलने वाला है। और जो रेस टू वेक फीचर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ भी वर्क करता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रहेगी, आप रेस टू वेक करेंगे प्रॉपर आपको स्क्रीन ऑन हो जाएगी, इस तरीके से इसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे। और साथ ही में आपको बैटरी में जाएंगे तो आपको बैटरी परसेंटेज दिखा देगा, पावर सेविंग मोड में ऑन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपको वाइब्रेशन इंटेंसिटी आपको कैसी चाहिए, सॉफ्ट चाहिए कि स्ट्रॉन्ग चाहिए, कि वाइब्रेशन अलर्ट्स आपको ऑफ करने हैं यहाँ से आप कर पाएंगे। लैंग्वेज में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलने वाले, लेकिन आपका काम का सिर्फ ऑप्शन इंग्लिश ही यहाँ पे, और कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे यूटिलाइज करने का मन नहीं करेगा, इंग्लिश ही आपको लैंग्वेज ऑप्शन मिलने वाला है यहाँ पे। QR कोड दिया गया है एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, हम आगे डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है। यहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं स्मार्ट वॉच की, आपको फॉर्मेट कैसा चाहिए 12 आवर्स का कि 24 आवर्स का, प्रॉपर टाइमिंग सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सिस्टम में आपको मिलने वाला है शटडाउन, रीस्टार्ट, रीसेट करने का ऑप्शन, तो ये सब आपको चीजें मिलने वाली है इसकी सेटिंग्स पार्ट में। और यहाँ से अगर आप स्क्रीन से स्वाइप अप करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिलने वाला है नोटिफिकेशन पार्ट को लेके, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ऐसा आपको डिस्प्ले मिलने वाला है। यहाँ पे आपको फोन तो सही मिल जाएगा, डिस्प्ले भी प्रॉब्लम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्रॉल करके आप फुल मैसेज रीड नहीं कर सकते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी। और यहाँ से अगर आप स्क्रीन से स्वाइप राइट करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिल जाएगा स्टेप काउंटिंग को लेके, कितने आपके स्टेप चल रहे हैं, कितनी कैलोरीज बर्न की हुई है, और प्रॉपर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डेटा मिलने वाला है पूरे प्रॉपर 7 डेज का, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा प्रॉपर डिस्प्ले के साथ, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलने वाला है, जैसे आप कनेक्शन चैलेंज करेंगे यहाँ से आप स्मार्ट वॉच के थ्रू ही प्ले पॉज कर सकते हैं ट्रैक्स को, स्मार्टफोन के ट्रैक्स चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं स्मार्टफोन के डायरेक्टली स्मार्ट वॉच के थ्रू, और जो बिल्ट इन स्पीकर दिया गया उसके थ्रू आप म्यूजिक प्ले नहीं कर पाएंगे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर आप शॉर्टकट भी ऐड कर सकते हैं, कौन से आपको शॉर्टकट चाहिए यहाँ पे स्क्रीन से साइड राइट करने पे, इसको आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप स्क्रीन से स्वाइप लेफ्ट करेंगे या जो ऊपर वाला बटन दिया गया है उसको अगर आप प्रेस करेंगे, जितनी भी आपके एप्लीकेशन से स्मार्ट वॉच की यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर आपको मिलने वाला है फोन का ऑप्शन, प्रॉपर आपको डायल पैड मिल जाएगा कॉलिंग करने के लिए, और किसी का कॉल आएगा तो कॉल एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। अब आप लीजिए एक ब्लूटूथ कॉलिंग का टेस्ट आउटडोर कंडीशन में। हेलो, हाँ दीक्षा, क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, लंच की तैयारी। लंच की तैयारी, ओके। अरे अभी हमें मेरे पास ना क्रॉसबीट्स ब्रांड की तरफ से क्रॉसबीट्स आर्मर एक स्मार्ट वॉच लॉन्च हुई है, मिलिट्री स्टैंडर्ड की स्मार्ट वॉच है। हाँ। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर भी है। अभी मैं वही ऑफिस के ऊपर टेरिस पे खड़ा हुआ हूँ, स्मार्ट वॉच से बात कर रहा हूँ ऐसे ही, तो मेरी आवाज में कंपैरेटिवली कैसी आ रही है? आवाज तो समझ में आ रही है अच्छे से, क्या मतलब बोल लो, लाउडनेस भी अच्छी है, बट थोड़ा सा मतलब आवाज में क्रिस्पीनेस आ रही है। क्रिस्पीनेस आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या बोल रही है? मतलब कानों को थोड़ा सा मतलब लग रही है तुम्हारी आवाज। अच्छा, तो फिर मेरे को थोड़ा स्मार्ट वॉच को दूर करके बात करना पड़ेगा। हाँ, बाकी मतलब ऐसा कोई दिक्कत आ रही है बातचीत करने में? कुछ नहीं, बाकी सबको समझ में आ रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ऐसा कोई डिस्टॉर्शन या विंड नॉइज को लेके, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज बैकग्राउंड के नीचे गाड़ियां जा रही है उनकी आवाजों को लेके? नहीं नहीं, बैकग्राउंड की एक्टिविटी भी कोई ऐसी खास नहीं पता चल रही है, ना ही विंड नॉइज आ रही है, बस थोड़ा सा वही क्रिस्पीनेस जो बोल रही हूँ वो लग रहा है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओके ओके, ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके, हाँ बाय। और कॉलिंग के टाइम पे आप म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं कॉल को, जो स्पीकर की लाउडनेस उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं कॉलिंग के टाइम पे, और रिजेक्ट कर सकते हैं कॉल को। और इसका ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर बिल्कुल सही तरीके से वर्क करता है, स्पीकर को लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, मैं सामने वाले को फोकस ही सुन पा रहा था, टेरिस पे खड़े होकर बातें कर रहा था, आराम से ऐसे करके बातें कर रहा था, स्पीकर की लाउडनेस आपको एडिकेट मिलने वाली है। और जो माइक्रोफोन है वो भी काफी सही तरीके से वर्क करता है, एक्यूरेट तरीके से आप बोल सकते हैं वर्क करता है, पास ऐसे बोलेंगे सामने वाले को लगेगा कानों में चुभ रही आवाज, लाउड तरीके से सुन पाएगा, थोड़ा दूर करके आप बात करेंगे तब भी प्रॉपर तरीके से आप ब्लूटूथ कॉलिंग कर पाएंगे, इसको आप डेफिनेटली अच्छी ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। साथ ही में आपको मिल जाएगा कॉन्टेक्स्ट का ऑप्शन, कॉल रिकॉर्ड चेकआउट कर सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट का फीचर मिलने वाला है, जैसे आप यहाँ पे कनेक्शन चैलेंज करेंगे टैप करेंगे स्मार्ट वॉच में, जो भी आपके फोन में वॉइस असिस्टेंट फीचर है एक्टिवेट हो जाएगा और साफ साफ कमांड्स देकर यूटिलाइज कर पाएंगे। डेटा आप चेकआउट कर सकते हैं, एक्टिविटी रिकॉर्ड्स कितने आपने की हुई है यहाँ पे। स्पोर्ट्स मोड्स पे आप जाएंगे वर्कआउट्स में, यहाँ पे आपको 125 प्लस स्पोर्ट्स मोड्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको कुछ बिल्ट इन स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाएंगे स्मार्ट वॉच में, एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू आप सिंक्रोनाइज करके 125 प्लस स्पोर्ट्स मोड्स एक्टिवेट कर सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करता है एप्लीकेशन पार्ट से। और अगर हम सेंसर्स के एक्यूरेसी की बात करेंगे, हाथों में स्मार्ट वॉच को बिल्कुल टाइटली पहन के अप्रॉक्सीमेटली मैं घूम फिर के यहाँ पे 40 स्टेप्स चल के आया था, और स्मार्ट वॉच में एक्जैक्टली दिखा रहा था 40-41 स्टेप्स के आसपास। अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको फिटनेस फ्रीक है, जो सेंसर्स हैं इसमें सेंसर्स पार्ट से लेकर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, इसको आप डेफिनेटली अगर फिटनेस फ्रीक है उस पर्पस के लिए ग्रैब कर सकते हैं। साथ ही में आपको वर्कआउट रिकॉर्ड चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलने वाला है। और इसमें फोर्थ जनरेशन हेल्थ ट्रैकर्स का यूटिलाइजेशन किया गया है। और अगर हम सेंसर की एक्यूरेसी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर में काफी इंप्रेस हुआ, बिल्कुल आपको क्लोज रीडिंग मिलने वाली है यहाँ पे, सेम आपको क्लोज रीडिंग मिल जाएगी ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट को लेकर भी। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट भी आप चेकआउट कर सकते हैं, कैसी आपकी रीडिंग है, नॉर्मल रीडिंग कितनी रहती है, प्रॉपर यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। और स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका स्ट्रेस कितना है और जो रेशियो है मतलब कितने
परसेंटेज में कितना स्ट्रेस होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। सेंसर्स काफी इसमें आपको एक्यूरेट मिलने वाले, अगर आप फिटनेस फ्रीक है, हेल्थ सेंसर्स में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उस पर्पज की आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा, वेदर चेकआउट कर सकते हैं, साथ ही में आपको फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलने वाला है, अगर आप फीमेल है या फिर घर में कोई फीमेल है जिसको आपको गिफ्ट करना है स्मार्ट वॉच को, प्रॉपर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं उस पर्पज के लिए। म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन, जेन मोड में आपको रिलैक्स मोड दिया गया, अगर आपको थोड़ी बहुत ब्रीदिंग करनी है, रिलैक्स होना है, यहाँ से आप यूटिलाइज कर पाएंगे। स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म क्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, टाइमिंग सेट कर सकते हैं, फाइंड माई फोन का ऑप्शन, यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन मिलने वाला है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और सेटिंग्स मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो ये सब आपको चीजें मिल जाएंगी स्मार्ट वॉच में, भर भर के आपको फीचर्स मिलने वाले, बस थोड़े बहुत यहाँ पे बिल्ट इन गेम्स भी देते थे एक दो, ज्यादा बेटर था मेरे हिसाब से, लेकिन फीचर्स में आपको बिल्कुल बढ़िया मिलने वाले, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी। और साथ ही में इसमें आपको 3 ATM वाटर प्रूफ फीचर भी दिया गया है, अगर आप स्विमिंग पर्पज के लिए यूटिलाइज करते हैं, अंडर वाटर आप ले आते हैं 30 मीटर तक कुछ देर के लिए, उस पर्पज के इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें जो वाटर प्रूफ फीचर दिया गया वो भी सही तरीके से वर्क करता है। एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको फिट क्लाउड प्रो एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है। फ्रंट में जितनी अपने एक्टिविटीज को सेंसर्स पार्ट को लेकर एक्टिविटीज की हुई है, स्टेप काउंटिंग को लेकर, सेंसर्स को लेकर, यहाँ पे आप ट्रैकआउट भी कर सकते हैं सेंसर्स पार्ट को लेकर, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। माई डिवाइस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज दिखा देगा, बैटरी कितनी बची हुई है। पुश नोटिफिकेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन आपको कौन कौन से चाहिए स्मार्ट वॉच में, यहाँ से आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं, कॉलिंग अलर्ट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, साथ ही में अलार्म सेट कर सकते हैं, एक्टिविटी रिमाइंडर का ऑप्शन, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर का ऑप्शन, यहाँ पे आपको डायल लाइब्रेरी भी मिलने वाली है, यहाँ पे आपको मल्टीपल बोल सकते हैं, अच्छे अच्छे आपको बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी के आपको वॉच फेसेस मिल जाएंगे, जो आपको पसंद है यहाँ से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप जाएंगे एडिट पर तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, क्रिएट डायल कर सकते हैं अपने हिसाब से, कैसा आपको यहाँ पे पोजीशन चाहिए, टाइम का, बैकग्राउंड कैसा चाहिए, स्टाइल कैसा चाहिए, और आपको यहाँ पे कैमरा से पिक्चर लेनी है कि आपके स्टोर है पिक्चर गैलरी पार्ट में, उसको आपको वॉच फेस की तरह लगाना है, प्रॉपर कस्टमाइजेशन मिल जाएगी वॉच फेसेस को लेके। और साथ ही में आपको मिल जाएगा स्पोर्ट्स पुश का ऑप्शन, जो कि मैंने आपको बताया था 125+ जो स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, मल्टीपल आपको अलग अलग कैटेगरीज में स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं, कौन से आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करनी है, आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं स्मार्ट वॉच में। वेदर रिपोर्ट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो रेस टू वेक फीचर उसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, पर्टिकुलर टाइमिंग तक सेट कर सकते हैं यहाँ से। और साथ में हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर का ऑप्शन, फाइंड माय वॉच का ऑप्शन, रिस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, आप लेफ्ट हैंड में वॉच को पहनते हैं, राइट हैंड में यहाँ से आप सेट कर पाएंगे। आवर स्टाइल मिलने वाला है, आपको यहाँ पे आवर स्टाइल 12 आवर्स का फॉर्मेट चाहिए कि 24 आवर्स का फॉर्मेट चाहिए, यहाँ से आप सेट कर पाएंगे। फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट्स में यहाँ पे आप 10 डिफरेंट कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं, जो भी आपके फेवरेट कॉन्टेक्ट्स हैं। शेक फोटोग्राफी में यहाँ पे एक्जैक्टली ना, अगर आप स्मार्ट वॉच को अगर आप शेक करेंगे या टैप करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू पिक्चर ले ली जाएगी। रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स कर सकते हैं, और यहाँ पर आप नी पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वुमेन हेल्थ का ऑप्शन मिल जाएगा, गूगल फिट का ऑप्शन मिलने वाला है, मल्टीपल आपको सेटिंग्स मिलने वाली है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, टाइमली अपडेट्स आते रहते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एप्लीकेशन काफी यूजफुल है, सारे के सारे फीचर एक्सेस कर पाएंगे इस स्मार्ट वॉच के। और अगर हम बैटरी की बात करेंगे, ब्रांड क्लेम कर रहा है आपको 15 डेज का अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन का बैटरी लाइफ मिलने वाला है, अगर आप उसको नॉर्मल यूसेज करेंगे, हैवी यूसेज करते हैं, अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग ज्यादा करते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखेंगे, फिर भी आप बोल सकते हैं 4 to 6 डेज के आसपास आपको बैटरी लाइफ मिलने वाली है। नॉर्मल यूसेज करेंगे, एडिकेट यूसेज करेंगे, 8 से 10 दिन के आसपास आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगी, बैटरी इसमें काफी इंप्रेसिव दी गई है, उसको लेकर ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। ये तो सारे के सारे फीचर्स मेरे हिसाब से, प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी तक जस्टिफाई करती है, मेनली अगर आपको एक मिलिट्री बिल्ड की स्टैंडर्ड की आपको स्मार्ट वॉच चाहिए, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन चाहिए, ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर चाहिए, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड चाहिए, सेंसर से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, भर भर के आपको फीचर्स चाहिए, प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी तक जस्टिफाई करती है, तब भी मैंने आपको सारे के सारे इसके टेस्टिंग दिखा दी, प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, वहां पर डिसीजन मैटर करता है इसको परचेज करना चाहिए कि नहीं, पॉसिबल लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रॉसबीट्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आप कुछ भी परचेज करेंगे, हमारा कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च क्रॉसबीट्स आर्मर डाइव मिलिट्री स्टैंडर्ड स्मार्ट वॉच। Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one, and see you in the next video. Thank you.